हमीरपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने अपना प्रचार अभियान के दौरान रोहलवी, पट्टा, मैल, ताल, लंबरू, गुसोता और अमनेहड़ में नुक्कड़ सभाओं में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए अपील की। नरेंद्र ठाकुर ने लोगों से कहा कि हमीरपुर का विकास केवल मात्र बीजेपी सरकार ने करवाया है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केवल वायदे ही किए हैं। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला का विकास कार्य स्वर्गीय जगदेव चंद के समय में हुआ और उसके बाद धूमल सरकार के समय में विकास कार्य संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने बहुत ही कम काम करवाया है और जनता भी कांग्रेस सरकारों से दुखी रही है। लेकिन हाई कमांड का देश है वो हमें मानना पड़ा और अब जबकि 9 तारीख को अब नई सरकार चुनने जा रहे हैं और जैसे माहौल लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दोष नहीं। इसी सिलसिले में आज मैं अपने ससुराल में आया हूँ और आप इतनी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इस तौर पर क्या देना चाहता हूँ। आप सरकार बनाते किस लिए बनाते हैं? ताकि आपके इलाके का विकास हो। कोई आते हैं गुमराह करते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, वोट लेने के लिए कई हथकंडे पे अपनाते हैं। ठीक है, पूर्व वक्त में सब पढ़ लिखे लोग हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप तुलना करिए कि कौन पार्टी, कौन व्यक्ति जो वोट लेने के हक है। किसी के बाप का ठेका नहीं है, जो आपको ठीक लगता है उसको वोट दीजिए। जहां तक विकास की बात है, इस इलाके की विकास की बात है, आपके हमीरपुर टाउन की विकास की बात है, ये कब और कैसे होगा सब पता है आपको। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, सिर्फ 15 साल, और 55 साल रहा कांग्रेस पार्टी का राज। कंपैरिजन आप करिए, हमीरपुर में विकास कब शुरू हुआ? 1977 में जब पहली बार स्वर्गीय ठाकुर मंत्री बने। और जो भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, चाहे NIT है, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, चाहे होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग, वो मैनेजमेंट का कोर्स, सारे BEd कॉलेज, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, स्कूल की भव्य इमारत, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की बिल्डिंग, ये सारे कब बने? या तो स्वर्गीय ठाकुर जी के टाइम में या बाद में जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने। बताई इनको हमीरपुर से हटा दीजिए, हमीरपुर में बचा क्या है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी किया, पर उनका राज रहा 55 साल। 55 साल में 20% और 15 साल में 80%, ये कंपेरिजन आपने कर, ये लोकल बात है, आपके इलाके की बात है। आपने खुद ही कह दिया आपकी सड़क कब बनी, यहाँ चाहे कोई डिस्पेंसरी है, कोई महिला मंडल है, कोई वेटनरी है, ये कब बनी और किसने बनाई? वोट मांगने दो ना, कांग्रेस वाले जी आते हैं लड़ रहे हैं, वो जब पूछो तो सही इनको। वोट आप विकास के लिए देते हो, MLA सरकार आप किस लिए बनाते हैं? MLA तो रोटियां थोड़ी पकानी है, तो उस जो समस्या है, आज आपको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है और पट्टा में तो हमेशा पानी की प्रॉब्लम रह ही रही है। आपको बिजली ठीक नहीं है, आपके स्कूलों की एजुकेशन ठीक नहीं है, आपको स्वास्थ्य सेवा प्रॉपर मिल रही है, ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। बिल्डिंग आप जितनी मर्जी बना दीजिए, अगर डॉक्टर नहीं है तो बिल्डिंग में आपने क्या करना है? ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम है, जो कोई इन 5 सालों में कांग्रेस है कुछ नहीं है, मोदी की सरकार है। मैं कहता हूँ कि 3.5 साल में हमारे देश की दशा और दिशा बदली है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं दी। हमारे पूर्व वक्तों ने आपको बता दिया, बड़ी लंबी लिस्ट है ये, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चंद 2-3 जो बड़े फैसले हैं मैं आपकी याद ताजा दिला रहा हूँ। एक बन रहे कमल पेंशन का, छोटी बात नहीं है, इन्होंने भी बताया 26,000 करोड़ रुपया सालाना पेंशन के रूप में फौजी भाइयों को दिया जा रहा है। और फौजियों के लिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने सोचा। आप यहाँ बैठे 1998 से पहले जब कोई हमारा भाई शहीद हो जाता था, क्या मिलता था? लाल तलगुज अस्थियां, यानी अस्तु सर, कहते 1500 रुपये का एक सिलाई मशीन देंगे, कहते बोल दे जा अपने परिवार के पास। उसे ना परिवार नहीं पलता, फर्स्ट टाइम 1998 में मोदी जी ने पार्थिव शरीर को बड़े मान सम्मान के साथ घर में भेजा और फुल ऑनर के साथ अंतिम संस्कार होता है। और 6 दिन पहले मोदी जी ने वो 20 लाख 50 लाख कर दिए।